धोखा देके। और ये देखो भाई हमारे इसके बारे में पता होता है। बाहर भाई अभी निकलने वाले हैं हम घर से हेलमेट रखने के लिए। मैंने ये लॉक ले लिया है ताकि भाई जब वहाँ पे हेलमेट इधर उधर रखने से अच्छे गाड़ी को ही हेलमेट अच्छे से लगा लेंगे। और अभी हम जाने वाले हैं बुलेट पे। आगे गाइस मैं वायर लगाना ही भूल गया। मैंने यहाँ खास इसको मिरर लगा के लिए है ताकि भाई मुझे समझे कि भाई कैमरा चालू है। मैं अभी गणेश पे घर पे पहुँचे हैं। यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं रायगढ़ के लिए। 5:15 बजे हुए तो मुझे लगता है मैं 9 से 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और करण ने इसमें 500 का पेट्रोल ऑलरेडी डलवा के रखा है तो हम माइलेज भी चेक कर लेंगे इसका कितना माइलेज आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अभी स्टॉक साइलेंसर लगाया है तो डर था भाई पकड़ेंगे पुलिस का, इसलिए हमने साइलेंसर चेंज करवा के वापस स्टॉक लगवा दिया है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अरे कभी तेरी शर्ट चेंज कर रहे तो लिए रस उसके लिए रुके भाई, छोड़ रहा नहीं था हेलमेट देने के लिए भाई उसको रस देना पड़ रहा है। यहाँ पे भाई मस्त रस मिलता है 20 रुपये में। वो उसके हाथ में दिख रहा होगा जंबो, वो मिलता है भाई। निखिल मिलते हैं बाद में, इसको आज धोखा देके। और ये देखो भाई हमारे पास नया हेलमेट आया है, निखिल का हेलमेट है लेकिन यूज ही निखिल से ज़्यादा गणेश यूज़ करेगा अभी। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं कातर साइड से हमको ईजी पड़ेगा। और वहाँ से 146 डिस्टेंस दिखा रहा है लेकिन 146 से ज़्यादा ही होता है, गूगल मैप पे कभी कभी डिस्टेंस कम दिखाता है। उसी रास्ते से जाएंगे, देखते हैं कितना डिस्टेंस पड़ता है। अभी हो चुका है 1825 अपना ओडोमीटर में इसके बुलेट के चल चुके हैं। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं 35th राज्याभिषेक सोहरा को छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ पे। और अभी हम है पुणे सातारा हाईवे पे। ये रास्ता यहाँ से सीधा स्वारगढ़ को जाता है। मैं आज हूँ बुलेट पे, बुलेट 350 अभी नहीं हमने ली है बुलेट, तो उसी पे आज हम जा रहे हैं। मेरे दोस्त के बुलेट है ये, से मैंने मांग के दी थी बुलेट, क्योंकि भाई अगर इतना लंबा ट्रैवल करना है तो अपने पास भाई अच्छी गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। और बुलेट पे कैसा भाई कितना दूर का ट्रैवल करो इतना आपको तकलीफ नहीं होता। तो चलिए चलते हैं भाई। अभी भाई हम जा रहे हैं ऊपर से क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका है। जब तक हम कातर से बाहर नहीं निकलते तब तक हमें इतना ही ट्रैफिक मिलने वाला है, ये ट्रैफिक कम नहीं होने वाला, तो इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते इसका। चलो भाई ऊपर नीचे ऐसे करके हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रैफिक तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। रास्ता एक लोग खाद ही नहीं कर रहे भाई यहाँ पे। देखो भाई हर किसी को भाई जल्दी निकलना है और लोग एम्बुलेंस के पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे भाई एम्बुलेंस को जाने को रास्ता दो ना भाई। होंडा सिटी के टायर बाहर निकले हुए हैं, थोड़े से टायर बाहर निकले तो बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी वैसे। और ऊपर से ब्लैक कलर, ब्लैक अलॉय, मस्त लग रही है गाड़ी दिखने में। मुझे नहीं पता अभी पूरा व्यू आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम भाई इतनी दूर मेरी ट्रिप है। मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ 200 किलोमीटर के लिए, वो भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। और रायगढ़ भी मेरा फर्स्ट टाइम है। कौन सी महिंद्रा की गाड़ी, मैंने तो पहली बार देखी है। मतलब महिंद्रा 2 व्हीलर भी बनाती है, मुझे तो पता ही नहीं था भाई। और उसको 2 साइलेंसर थे, मुझे लग रहा है सुपर बाइक टाइप कोई गाड़ी है, वैसे ही लग रही थी मुझे। गेट का ये अंडरग्राउंड ब्रिज है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और यहाँ से अभी निकल गए तो हम आगे हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जल्दी से जल्दी पुणे से बाहर निकल जाएंगे तो दिन के समय में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो रात में हमें थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। वो शायद रास्ता थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है क्योंकि बीच में घाट वगैरह भी आने वाले है। बहुत लोग की फेवरेट गाड़ी है भाई ये, सुपर बाइक का एक भाई चस्का चढ़ जाता है जब आप बाइक पे घूमना चालू करते हो ना। हर टाइम आपको ऐसा लगता है कि भाई और थोड़ी ज़्यादा सीसी चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा स्पीड चाहिए। ऐसे करते करते आप भाई सुपर बाइक पे कब पहुंच जाते हो आपको भी नहीं पता चलता। मेट्रो बन रही है, देखो मेट्रो का ये स्टेशन है, यहाँ से फर्स्ट मेट्रो का स्टेशन चालू होता है। ये है गरवारे कॉलेज और गरवारे कॉलेज से मेट्रो के लिए रास्ता जाता है। अरे भाई गियर ही अटक गया मेरा, ये तो गलत बात हो गई। सॉरी, गरवारे कॉलेज से मेट्रो आगे तक जाती है। आगे लास्ट तक हमने एक मेट्रो में ब्लॉग बनाया था ये,
तो फर्स्ट टाइम जब मेट्रो चली थी तब का व्लॉग है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। मैं कार्ड की लिंक इसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी ज़रा खुला रास्ता आ गया है, अच्छा बड़ा रास्ता आ गया है, तो यहाँ से शायद जल्दी निकल जाएंगे हम। अभी हमें ये पुल चढ़ना है, तो इसके लिए भाई यहाँ से नीचे से अंडरग्राउंड पास करके आगे जाना पड़ेगा। इस साइड पहली बार आए हो तो मुळशी मुंबई, मुंबई साइड जाना है क्या? नहीं नहीं, यहाँ से पाषाण मुळशी और बावधान, पाषाण मुळशी और बावधान को यह रास्ता जाता है। ये कैसे नहीं बंद हो गया क्या रास्ता? माम गलत रास्ते चले गए थे भाई, भागो यहाँ से, निकल गए भाई। यहाँ से जाना है हमें सीधा। यहाँ पे भाई बहुत तेज़ काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा ये तोड़ के यहाँ पे बनाया है। अगर हमारे पास कार होती ना भाई, तो हम निकल ही नहीं पाते। बहुत मुश्किल से यहाँ से अभी निकल पाए हैं, और यही हमारा पूरा टाइम चला गया। हजार का नहीं भाई, ओ भाई थैंक यू भाई ने हमको जगह दे दी भाई जाने के लिए, अच्छा हुआ। बाइक पे होने का यही फ़ायदा है भाई, जल्दी निकल जाते हैं भाई बाइक से ऐसे। अभी हम लगेंगे मुळशी रोड को। OMG है क्लस्टर भाई, क्या बात है, क्या मस्त गाड़ी है। चलो भाई जल्दी से निकल चलते हैं यहाँ से। ये है मुळशी का रास्ता। अभी हमें खुला रास्ता मिल चुका है, इसी खुले रास्ते से हमें सीधा आगे आगे जाना है, और शायद ये मुळशी बावधान ये रास्ता है, इस रास्ते से अभी जा रहे हैं। शायद हमें बहुत सारे लोग भी मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग इस रास्ते से जाते हैं। अभी शाम के 6 बजे, तो बहुत मौसम भी अच्छा है, तो गर्मी नहीं लग रही, नहीं तो दोपहर में अगर निकले होते तो बहुत सारी गर्मी हो रही होती। अभी बहुत सारे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जाते हुए रायगढ़ के लिए, गाड़ियों पे, टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं। अभी फोर व्हीलर का तो नहीं पता। आज 5 जून है, 5 जून को हम 5 बजे निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जब कार्यक्रम होगा तो वो रात से चालू होगा, रात 12 बजे से, बहुत कुछ रहता है गढ़ पे, तो वो सब भी देखना है, इसलिए हम पहले दिन ही निकल रहे हैं। ये टेम्पो भाई सब व्यू खा रहा है हमारा, इतना अच्छा व्यू हुआ है आगे। अरे अज्जा भाई टेम्पो वाले जान दे आगे, व्यू जा रहे तेरे। अरे भाई व्यू ही चला गया। नज़ारा हुआ है देखो भाई, यहाँ से पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, नीचे पूरी सिटी दिख रही है आगे तक, बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे। और ठंडा ठंडा मौसम भी है ना, शायद नाने माचे को जब हम गए थे तो इसी रूट से गए थे नाने माचे को, तभी मुझे ये रास्ता याद है भाई। नाने माचे को जब गए थे भाई, तब यहाँ पे पूरा धुखा था, यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था, वही सेम रूट है ये। की वजह से मुझे भाई कंधा मेरा दुख रहा है, वैसे मैंने पीछे बैग बांधी होती है, लेकिन अभी हम 2 जने तो हमारा सामान कहाँ रखेंगे ना, तो वही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मेरा बम दुखना चालू हो गया है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ठीक है भाई सहन कर लेंगे। अभी थोड़ा आगे स्ट्रेच करने के रुकेंगे ना, तो वापस से ठीक हो जाएगा। अभी शाम के भाई 7:45 बजने को आए, लेकिन भाई ये ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा। अभी कितनी देर तक हमें ये ट्रैफिक लगने वाला है मुझे तो नहीं पता भाई, लेकिन बहुत समय से है ना भाई ट्रैफिक से निकले ही नहीं है। हिंजेवाड़ी के पास है अभी। ओह शिट यार, कैसे कैसे लोग बीच में आ जाते हैं भाई, जगह जगह पे भाई मुझे ऐसे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप करके लोग जा रहे हैं, लेकिन हम भाई इतने निडर लोग हैं भाई, हम अकेले ही जा रहे हैं। मतलब अकेला मतलब हम दोनों सिर्फ एक गाड़ी पे जा रहे हैं, हमारे बाकी सब दोस्त भाई जॉब के वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम जब उनको छुट्टी मिलेगी उस टाइम भी लाएंगे। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो भाई 1 लाइक ज़रूर करना भाई अपने दोस्त को, तो अगर आप भाई इंडिया के किसी भी पार्ट से हो तो महाराष्ट्र में ज़रूर आके भाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने सारे गढ़ एक्वायर किए और हिंदी स्वराज्य का नींव रखा, तो
तो वो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए एक बार आके, तो वही मैं आज दिखाना चाहता हूँ। नज़ारा तो भाई, ये नज़ारा देख के तो दिल खुश हो जा रहा है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से, हम भी थोड़ा बहुत फ़ोटो निकाल लेते हैं, मस्त फ़ोटो ना रहे हैं यहाँ से। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं भाई, क्योंकि मेरा बम भाई बहुत दुख रहा है। बम की तो लग गई ना भाई, इतने से रास्ते में अब लग गई है हमारी। लेकिन भाई गाड़ी क्या दिख रही है, और यहाँ से फ़ोटो भी क्या सीन आएगा। यहाँ पे कुछ फ़ोटो निकाल लेते हैं। थोड़ी देर गाइस आराम कर लिया, अभी यहाँ से निकलते हैं। बहुत टाइम निकलने वाला है, 6 बजे, और शायद हमें 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे दिखा रहा था। और थोड़ी देर हम रुके थे भाई फ़ोटो निकालने के लिए, और सूरज तो डूब ही गया। ज़्यादा कुछ ख़राब रास्ते नहीं है, बीच में गांव वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब हो रहा है, और वही थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो चुका है। जब मैंने मॉडिफाइड एग्जॉस्ट लगाया था तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर मेरी इंस्टाग्राम पे आप रील देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक मैं डाल दूँगा यहाँ पे नीचे कहीं, तो ज़रूर देखना भाई। क्या सुंदर नज़ारा है, देखो भाई क्या सुंदर, मस्त सीमेंट का रास्ता है भाई, इसी रास्ते से चलते जाना है आराम से। 60-70 पे क्रूज कर रहे हैं अच्छे से, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा है लेकिन इतना भी नहीं है। और हमारे साथ हम अकेले नहीं जो जा रहे, बहुत सारे लोग जो है वो जा रहे हैं राज्याभिषेक के लिए। देखो भाई यहाँ पे मुशी सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ से पूरा घाट का रास्ता चालू होता है। और यहाँ पे अभी मुझे बहुत सारी टू व्हीलर ही दिख रही है, ज़्यादा कुछ दूसरी गाड़ियाँ नहीं दिख रही। नीचे थोड़े लोग रुके हुए थे खाना खाने के लिए, बाकी तो भाई टू व्हीलर ही जा रही है, तो हम सही टाइम पे जा रहे हैं। वैसे पूरे लाल लाल पहाड़ देखो भाई, पूरे नीचे से ऊपर तक ज़मीन लाल है, और रोड भी लाल हो गया है। अगर यहाँ पे अगर बारिश होगी ना तो रास्ते लाल ही होते होगी, ऐसे लाल लाल पानी बह रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाल माटी ज़्यादा है शायद बारिश के वजह से। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इतनी कड़ी धूप पड़ती है, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधे पूरे ग्रीन ग्रीन ही है। सेकेंड ब्रेक के बाद अभी निकल चुके हैं, और रात भी होने लगी है, सूरज डूब चुका है। यहाँ पे चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं मुझे, बाकी कुछ नहीं भाई, सुनसान रास्ता और बुलेट बस। अभी इसका एग्जॉस्ट रहता ना भाई तो बहुत मज़ा आया रहता है इस रोड पे चलाने को, लेकिन अभी साइलेंट तो साइलेंट ही सही। और एक साइड से नदी भी जा रही है, अभी कौन सी नदी है वो तो नहीं पता। ये देखो भाई साइड से नदी जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भाई नज़ारों की जन्नत है, जन्नत तो बोल सकते हैं हम, महाराष्ट्र के स्वर्ग में जा रहे हैं अभी। और इतनी देर अच्छा रास्ता था, अभी लग चुका है खड्डों वाला रास्ता, यहाँ से कच्चा रास्ता चालू। श्वासात राजा ने ध्यासात राज रे शिवराज, रेकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है भाई रेकॉर्ड हो रहा है। विंड नॉइज आ रही होगी वैसे आपको, लेकिन भाई मुझे तो बड़े मज़े आ रहे भाई गाड़ी चलाने में, इतना मज़ा तो भाई फोर व्हीलर में भी नहीं आता जितना मज़ा टू व्हीलर पर आ रहा है। और ऐसे कर्व वाले रास्ते ना भाई क्या बोलूँ मैं, बहुत सही, बहुत बड़े कर्व भी नहीं और छोटे कर्व भी नहीं, एकदम मस्त वाली कर्व है यहाँ पे। 60-70 पे मस्त गाड़ी भाग रही भाई, मस्त एकदम। और बहुत सारे खाने की वगैरह भी दुकानें हैं यहाँ पे, विदाउट टेंशन हमारी गाड़ी चल रही है भाई। और यहाँ से शायद घाट उतरना चालू हो जाए। ओ इस साइड तो भाई नदी दिख रही है, देखो भाई आपको नहीं दिख रही होगी, शायद दिख रही होगी आगे से, शायद घूम के रास्ता आ रहा है, तब देखते हैं भाई। शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अभी जैसे जैसे सिटी से बाहर आ गए हैं अभी यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो रहा है।
अपने कर्वी कर्वी रास्ते ना, शायद इसी नदी के आसपास ही भाई लवासा सिटी है। मैंने देखा था मैप पे भाई लवासा सिटी, बहुत पहले टाइम मैं लवासा सिटी गया था, जब मैंने ड्यू ली थी ना तब मैं लवासा सिटी को गया था। उसको भाई अभी 4-5 साल हो गए होंगे, तब के बाद मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो इस साइड भाई आना ही नहीं होता था। नज़ारा दिख रहा है भाई यहाँ पे, बहुत सही नज़ारा दिख रहा है, लेकिन भाई कीड़े बहुत आए भाई इधर उधर से, बस कीड़े भी सामने लग रहे, हेलमेट पे टकरा रहे। टर्न्स ज़रा रिस्की है यहाँ के, क्योंकि टर्न्स पे ज़्यादा ही मोड़ है यहाँ के, देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा मोड़नी पड़ती है गाड़ी टर्न्स पे। और देखो भाई माउंटेन टिप्स कैसे लग रही भाई, 1, 2, 3, 4, 5 माउंटेन टिप्स है उस साइड पे, और बस रास्ते यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। देखो भाई कितने कीड़े है भाई, ऐसा लगता है भाई आंग में घुस जाएंगे। और यहाँ पे घाट से ऐसा रास्ता है पूरा, तो यहाँ तो और डर लगता है, और इतना तेज़ी से लग रहे हेलमेट पे। अच्छा हुआ भाई हेलमेट पहना है, अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो भाई बस मुंह पे कीड़े ही कीड़े लगते हैं, और वो कीड़े छोटे छोटे नहीं भाई, बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं भाई। ये कैसे जा रहे हैं लोग इनको ही पता भाई। चलो आगे तो चेक कर जाते हैं हम, ओवरटेक करके हमारी गाड़ी ज़रा तेज़ है, हम तेज़ी से निकल जाएंगे। और भाई 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 भाई, ये कीड़े देखो कितने सारे कीड़े, बस कीड़ों से ही भरा है ना ज़रा पूरा यहाँ पे, पूरा जंगल वाला रास्ता है भाई, पूरा जंगल वाला। ए भाई तो कितनी चूती है ये भाई, ऐसे ऐसे लोग भी चलाते भाई रोड, पहले रोड छोटा है, ये तो डेंजर सीन हो गया है यहाँ पे। हमारी लाइट तो भाई इतनी बेकार है, रोड पे गिरने के बजाय ऊपर ही गिर रही है। और ये देखो कीड़े कीड़े कीड़े, क्या डेंजर रास्ता है यहाँ पे, पट्टी विट्टी कुछ नहीं बना, वाइट पट्टी वगैरह, बस भाई अपने आँखों पे भरोसा रखो और चलो। अरे भाई कीड़ा, ये कितने कीड़े है रे इस पे, ये सब कीड़ों से भरा पड़ा है, जैकेट पहनना पड़ेगा रास्ते में मुझे, तो कीड़े काट काट के तो मेरा कुटुंब बना देंगे। डर लग रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि लाइट रोड पे नहीं पड़ रही, इसकी हेडलाइट दूर पड़ रही है, और यहाँ के टर्न्स भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की टर्न्स है, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो भाई जिधर भी टर्न ले रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा हो कि भाई कितना टर्न ही ख़त्म नहीं होता भाई, इतना बड़ा टर्न है। और देखो बहुत सामसूम, बहुत अभी गाड़ियाँ दिख रही है, अभी मैं पीछे गाड़ी चल रहा था, गाड़ी ही नहीं दिख रही थी भाई, कोई गाड़ी ही नहीं, अभी आ रहे हैं यहाँ से नीचे से गाड़ियाँ, नहीं तो मुझे लगा ये इस रोड पे गाड़ियाँ ही नहीं कोई। अभी देखना टर्न कैसे होते हैं, बहुत डेंजर डेंजर टर्न से भाई यहाँ पे, डर लग रहा है मेरे को तो भाई गाड़ी चलाने को। हट्टी दिख रही है भाई, मस्त लग रही है भाई, ऊपर से गाड़ियाँ भी आते हुए दिख रही है। अभी यहाँ पे खाना खाने के रुके, खाना खाते भाई, हेलमेट पे तो बहुत कीड़े लगे, बीच में बहुत कीड़े पीड़े आ गए थे भाई, तो भाई यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, भजिया खाएंगे, भजी पाओ थोड़ा पेट में जाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा चाय पी के अभी ज़रा तंदुरुस्ती आ गए। अभी 14 सप्ताह हो गाड़ी, और 50 किलोमीटर जाना है, जहाँ हमने खाना खाया था वहीं से टर्न था, तो वहीं से अभी टर्न ले लिया है, और इस रास्ते पर लग चुके हैं, बहुत सारी फैक्ट्री है इस रास्ते पर, तो थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता तो है भाई, इतना अच्छा रास्ता नहीं है यहाँ पे, वो थार जो जा रही है आगे उसके पीछे पीछे ही हम जा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट मारना है, फिर यहाँ से तो स्ट्रेट ही रास्ता है। अभी बहुत सारे लोग गाड़ियाँ झंडे दिखना चालू हो गए यहाँ से, छोटा ही रास्ता दिख रहा है पिछले बार की तरह। यहाँ से भाई प्राइवेट है, 30 किलोमीटर जाना है यहाँ से, पानी की सोई की गई है यहाँ पे भाई, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, भर के लेके जा रहे सबके लिए है यहाँ पे।
यहाँ पे भाई ब्रेक ले लिया वहाँ पे। हाँ फ्री में भाई पानी बांटा जा रहा था, कोई चार्जेस नहीं है भाई। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस भी है, तो भाई कोई ऐसा खराब ना कर दे इसलिए पुलिस भी है वहाँ पे, पुलिस ध्यान दे रही है भाई सब पे। और यहाँ से अभी टर्न लेके यहाँ से अभी 30 किलोमीटर आगे जाना है हमें, फिर 30 किलोमीटर के बाद गढ़ आ जाएगा शायद। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि जो गाड़ियाँ लगाने के लिए है ना जगह दूर की रहेगी, ये टू व्हीलर शायद पास जा सकती है, लेकिन फोर व्हीलर के लिए तो दूर दूर जगह की रही है। वहाँ से फिर आपको बसेस जो है गवर्नमेंट की फ्री ऑफ चार्ज आपको गढ़ के पास छोड़ के आती है, और वहाँ से वापस आपके पार्किंग तक आके छोड़ती है। तो पूरी तरह भाई सुविधा करके रखी है सबके लिए। अगर आप कार से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, आपको भाई आने जाने की पूरी सुविधा कर दी गई है। और रास्ता भी बहुत अच्छा है, यहाँ से बस हार्ड डे 28 किलोमीटर बचा है। यहाँ पे डांस भी चल रहा है क्या? यहाँ पे भाई कोई 400-500 लोगों का ग्रुप है, ये भाई सुबह निकलने वाले, उनके लिए इधर ये बनाया गया है लगता। तभी मैं सोचूं इनका सबका एक ही ड्रेस है, मुझे लगा आधा अलग कोई है क्या। नहीं नहीं, वो एक साथ निकलने वाले सभी लोगों का ग्रुप है यहाँ पे। तो एंट्री सबको नहीं है एंट्री भाई, ग्रुप वालों को ही एंट्री है बस, बाकी लोग नहीं जा सकते अंदर। ठीक है चलो बाय, अपन तो अंदर जाते हैं। मैं सोचूं भाई ये डांस विंस का क्या चल रहा है, अलग ही फंडा है। गवर्नमेंट के बसेस वगैरह अभी लगी है, यहाँ से बसेस भी जा रही है, अभी वहाँ पर लगी हुई थी बसेस, तो रात में शायद नहीं चलती होगी लेकिन दिन में चलती होगी वो बसेस। अच्छा है भाई ये रोड पे छोटे छोटे लाइट लगा के रखी गई है, वैसे लाइट नहीं है रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर की वजह से अच्छे रोड समझ में आ रहा है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है भाई, इसकी लाइट छोटी हो, किसकी लाइट ना हो तो दिखता ही नहीं रास्ता भाई। ओ भाई ये तो बड़ा रिस्की है, यहाँ से रो गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है क्योंकि बहुत रिस्की रास्ते है। ऊपर जा रहे नीचे जा रहे तो सामने की गाड़ी आते हुए दिखती नहीं है। ये देखो अभी दिख रही है गाड़ी, अभी सामने आने के बाद एकदम दिखती है गाड़ी, नहीं तो दिखती ही नहीं। भाई यहाँ से अभी रायगढ़ दिखना चालू हो गया है, पूरा लाइटिंग कर दिया है, रास्ता पूरा ऐसा दिख रहा है यहाँ से मुझे रायगढ़ का। अभी आगे रुक के कहीं से तो फ़ोटो लेते हैं भाई, मस्त फोटो आएगा। और चांद भी दिख रहा है, अभी इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, मुझे आंखों से दिख रहा है वैसे, इसमें इतना नहीं दिख रहा। रायगढ़ रोनवे रस्तों के नाम बता रहे हैं। ओ माय गॉड यहाँ से रास्ता दिख रहा है भाई रायगढ़, क्या सही लग रहा है। वाओ भाई वाओ, ओनली वाओ निकल रहा है मेरे मुंह से। एक साइड चांद है, एक साइड हमारे महाराज, सुहासात राज अयोध्या सात राज हे शिवराज। काश भाई इस कैमरे में आ जाए भाई, काश, क्या नज़ारा लग रहा है यहाँ से देखना चाह रहा है भाई। पीछे भी देखा था लेकिन यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है भाई स्वर्ग का रास्ता जाता है भाई वहाँ, बस मेरे मुंह से वहाँ निकल रहा है भाई, क्या बोले। अभी फीडबैकर बहुत है यार इस रास्ते पर, गाड़ियों से ही लाइन लगना चालू हो गया, अभी 10 किलोमीटर बचा है और, लेकिन यहाँ से ही लाइनें लगना चालू हो गया है, लोग यहीं से ही चलते चलते जा रहे हैं भाई। सोचो कितना बड़ा पकड़ लेंगे मेरे बराबर को। शायद टोल के पार्किंग यहाँ पर ही है मुझे लगता है। इधर ही पार्किंग करना पड़ेगा गाड़ी। ओके ओके सर, ओके सर, एकदम मात लाओ, आप जैसा कहोगे वैसा।